नागपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी एक ट्रेन से उतरे कार्यकर्ताओं ने जब जय श्री राम का उद्घोष किया तो कई लोगों का ध्यान बरबस उनकी ओर चला गया। इससे बारे में जानकारी हासिल करने पर सनसनीखेज घटना का पता चला। लव जिहाद का शिकार हुई विदर्भ की एक युवती प्रीति को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के मुस्लिम बहुल इलाके से सूझबूझ व साहस से छिड़ा कर नागपुर ले आए। आरोप है कि युवती का आरोपियों ने धर्म परिवर्तन भी कराकर उसे आफिया नाम दिया था। नागपुर आने पर उसका शुद्धिकरण किया गया तथा उसे नया नाम प्रदान किया गया। बजरंग दल के एक पदाधिकारी ने बताया कि विदर्भ के एक जिला स्तरीय शहर में उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला साबिर पीओपी का काम करने आया था। शहर में वह काम करते करते उसने प्रीति को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। प्रीति के गिरफ्त में आने पर अपनी मां से उसने प्रीति की बात कराई। साबिर की मां ने प्रीति से कहा कि वह साबिर से शादी कर ले, उसे रानी के समान रखा जाएगा। साबिर के आकर्षण और उसके परिजनों के बर्ताव से प्रीति प्रभावित हो गई और लगभग 5 माह पूर्व वह साबिर के साथ भागकर सीधे मेरठ पहुंच गई। हालांकि इसके बाद एक दिन प्रीति ने सीधे अपने माता पिता को फोन कर अपनी गलती की जानकारी दे दी तथा स्वयं को इस जंजाल से बाहर निकालने की गुजारिश की। माता पिता स्तब्ध रह गए। आखिर प्रीति उनके कलेजे का टुकड़ा जो थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद तथा राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों से मुलाकात कर अपना दुखड़ा सुनाया तथा बेटी को बचाने की गुहार लगाई। दोनों हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भी इस कार्य का बीड़ा उठा लिया तथा प्रीति को मुक्त कराने की ठान कर योजना बनाई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का तथा राष्ट्रीय बजरंग दल के चुनिंदा कार्यकर्ता व पदाधिकारी नागपुर से मेरठ के लिए रवाना हुए। उन्होंने इस कार्य में पुलिस की बजाय अपने ही संगठन के कार्यकर्ताओं की सहायता लेना तय किया और उसी के अनुरूप योजना बनाई। मेरठ के बजरंगियों ने नागपुर के बजरंगियों का पूरी दिलेरी के साथ साथ दिया और अंततः मुस्लिम बहुल इलाके में साहस के साथ पहुंचकर प्रीति को मुक्त करा लिया। सुबह सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी प्रीति को लेकर नागपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। प्रीति को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अन्य युवतियों को एक सलाह दी कि उसने जो गलती की वैसी गलती कोई न करे, जीवन बर्बाद होना तय है। उसे तो बजरंगियों ने बचा लिया लेकिन हर किसी को बचा पाना संभव नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रांत महामंत्री किशोर डिंकोडवार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि लव जिहाद को लेकर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। 3 तलाक को लेकर कानून बन सकता है तो फिर लव जिहाद को लेकर क्यों नहीं। प्रीति को इस जंजाल से बचाने के लिए किशोर डिंकोडवार, विलास पुनेकर, दिलीप सकोले, कौस्तुभ आवले, सोने तिवारी समेत अन्य बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उल्लेखनीय कार्य किया। मुझे नाम प्रीति देशमुख, मैं नागपुर से आए और सेंट मैरक्स मतलब कॉलेज मध्ये शिकत होती। ते तो माझी फ्रेंड होती मुस्कान पठान, तिच्या घरी मी 1 वर्ष शिकली आणि तिथे तो मुलगा यायचा, त्याच्यासोबत ती भेट करून दिली माझी। असं मग बोलता बोलता आमची फ्रेंडशिप झाली। 1-1.5 वर्ष रिलेशनमध्ये होतो आम्ही। त्याच्यानंतर मग असं पी ओ पीचं काम करत होतं तर म्हटलं लग्न वगैरे करायचं आहे। मग इथून आम्ही दिल्लीला गेलो। दिल्लीमध्ये मग दिल्लीवरून त्याचे मम्मी पप्पा आले घ्यायसाठी, मग तिथून मेरठला नेलेत। मेरठमध्ये मग 2-3 दिवस त्यांच्या घरी राहिलो। त्याच्या मग मस्जिदमध्ये नेलेत, मस्जिदमध्ये जाऊन लग्न वगैरे झालं। मग तसं काही सांगितलं नव्हतं धर्म रूपांतर करायचं आहे म्हणून, न सांगताच माझं नाव चेंज केलेत, प्रीतीपासून आफिया नाव ठेवलेत माझं। नाही धर्म रूपांतर करता म्हणून काही सांगितलं नव्हतं आणि माझं नाव ठेवले होते आफिया शेख म्हणून। तिथं मस्जिदमध्ये नेऊन मौलवी होते, त्यांच्याशी बोलणं झालं। त्यांनी मग ते निका ते आता त्यांच्या भाषेची माहिती नाही काय वाचले तर असंच निका झाला आणि विचारले कबूले की एकटेच राहायचे, रूम करून राहत होतो आम्ही। पी ओ पीचंच काम करत होते। हो, नमाजसाठी जबरदस्ती करायची की वाचा लागेल, गोश्त खायसाठी जबरदस्ती करत होते।
आणि बाहेर नव्हते जाऊ देत, कोणाशी बोलायचं नाही. जे घर मालक होते त्यांच्यासोबत पण बोलायचं नाही, कुठं जायचं नाही, बाहेर नाही बघायचं, अंदर असं रूमच्या अंदर ठेवायचे. बुरखा ओढायला सांगत होते 5 महिने. काही नाही, पहिले तर सगळे चांगलेच राहिले, त्याच्यानंतर मग असंच बोलणं वगैरे शिवहान करायचे. कारण आपल्या घरी कसं फ्रीली राहायची ना मी, आणि मग तिथं गेल्यानंतर एकदम 5-6 महिने कोंडल्यासारखं होतं त्याच्यामुळे, आणि घरचे पण त्रास द्यायचे त्याच्यामुळे. मग मी दादाला फोन केली, दादांनी मग या बजरंग दलवाल्यांना कॉल केलेत, आणि मग हे मला घ्यायसाठी नागपूरपासून दिल्लीला आलेत, न सांगता निघाले. नाव काय आणि या मुलीला आपण तिथनं आणलाय, कसा काय हिच्याशी संपर्क साधला आणि किती आणल्यानंतर काय कितली प्रोसेस होती काय सांगता? मी किशोर दिगोंडार, महाराष्ट्र गोवा आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद महामंत्री, क्षेत्रीय महामंत्री. ही लज्जास्पद घटना आहे. या घटनेच्या सर्वात पहिले मी निषेध करतो आहे की ही घटना कोणाही सोबत होऊ नये. प्रत्येक मुलींनी, प्रत्येक हिंदू मुलींनी सुरक्षित राहावं एवढंच माझं मत आहे. या घटनेला जेव्हा मला मुलीकडनं फोन आला, मुलीच्या आईवडिलाकडनं, की बा माझी मुलगी तिथं फसलेली आहे, तिला मदत करा, ताबडतोब आम्ही दिल्लीची धाव घेतली आणि दिल्लीवरून मेरठ 80 किलोमीटर त्या मेरठला जाऊन, त्या एरियात जाऊन त्या मुलीला सोबत घेऊन तिला परत आम्ही आज 24 तारखेला सकाळी 8:30 नागपूरला आम्ही सुरक्षित तिच्या घरी आम्ही वापस परत आम्ही केलेलं आहे. कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे, BCN न्यूज नागपूर.